इयत्ता दहावी मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे मराठी का फुटप्रिंट्स नाम का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। फुटप्रिंट्स, लेखक का नाम है डॉक्टर प्रदीप आवटे। 1966 प्रसिद्ध कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार, तो ये सभी फील्ड में उनका नाम फेमस है। कवि है, गीतकार है मतलब गाना लिखने वाला, कथाकार है और नाटककार है, नाटक लिखने वाले, ड्रामा। त्यांची माझा आबाळाची गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात हे काव्य संग्रह, ये तीनों उनके काव्य संग्रह हैं। जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्प विराम या किशोरांसाठीचा कथा, किशोर मतलब टीनेजर्स, टीनेज के जो बच्चे हैं उनके लायक, उनको रीड करने लायक बुक्स हैं इनका, जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्प विराम वगैरह। कादंबरिया, कादंबरिया मतलब नॉवेल्स, अडीच अक्षराची गोष्ट हा ललित लेख संग्रह इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ये सभी पुस्तक उनका लिखा हुआ बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध मतलब फेमस। माझा आबाळाची गोष्ट या काव्य संग्रहाला साहित्य कला यात्री या संस्थेचा पुरस्कार मतलब अवार्ड, कौन सा अवार्ड, साहित्य कला यात्री ऐसा एक संस्था है, वो संस्था का, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक अवार्ड, एक पुरस्कार मिला माझा आभाळाची गोष्ट ये कवि कथा काव्य संग्रह को। गीत लेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्याचा पुरस्कार, और अच्छे अच्छे गीत लेखन के लिए सामाजिक वनीकरण खात्या, सामाजिक यानी सोशल, वनीकरण मतलब एफॉरेस्टेशन, जंगल जो काटते जा रहे उसको बंद करना और बहुत सारे झाड़ लगा देना, ये जो काम करने वाले जो संस्था है उसको कहते हैं सामाजिक वनीकरण खाता, उनके तरफ से भी पुरस्कार। राज्य स्तरीय बोलेगा तो स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल नाट्य स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन में सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा, सर्वोत्कृष्ट का मतलब है सबसे बेस्ट लेखनाचा पुरस्कार, सबसे बेस्ट लेखन का पुरस्कार अवार्ड, या सरके पुरस्कार प्राप्त, इस तरह बहुत सारे पुरस्कार उनको मिला है। ग्लोबल वार्मिंग मधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धना बरोबरच वैयक्तिक वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा। ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है दिन भर दिन जो टेम्परेचर एटमोसफियर का बढ़ते ही रहता है, ग्लोबल वार्मिंग उसमें आपले धरणी मातेला वाचवण्यासाठी यानी इस ग्लोबल वार्मिंग से अपना धरती माँ को बचाने के लिए वृक्ष संवर्धना बरोबर, वृक्ष संवर्धन यानी ट्रीज का कंसर्वेशन, ट्री कंसर्वेशन मतलब ट्रीज को बचाना, झाड़ को बचाना, ट्रीज कंसर्वेशन के साथ साथ वैयक्तिक वाहनाऐवजी, वैयक्तिक यानी पर्सनल, वाहन यानी व्हीकल, पर्सनल व्हीकल के बदले ऐवजी यानी उसके बदले सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजनिक यानी पब्लिक व्हीकल्स यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो व्हीकल है उसका व्यवस्थेचा मतलब उस सिस्टम का अधिकाधिक वापर करावा, जितना हो सके उतना ज़्यादा वापर करावा मतलब इस्तेमाल करना। त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी, त्यासाठी उसके लिए आपली जीवनशैली, अपना जीवन स्टाइल, लाइफ का स्टाइल, लाइफ स्टाइल बदलावी, अपना लाइफ स्टाइल उसके लिए बदलो, ऐसा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखका ने दिला है। ऐसा मैसेज इस पाठ से हमें मिला है। क्या संदेश मिला है? ग्लोबल वार्मिंग दिन भर दिन हो रहा है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग से हमारा धरती माँ को बचाने के लिए और झाड़ों का कंसर्वेशन करते जाने के लिए पर्सनल गाड़ी के बदले पब्लिक गाड़ी इस्तेमाल करना और उसके लिए अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना, ये संदेश लेखक ने अपने ये जो पाठ है फुटप्रिंट्स उसके जरिए देने का कोशिश किया है। पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व विशद करून, पर्यावरण यानी नेचर या अपना
एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का महत्व इम्पॉर्टेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए तंत्रज्ञान अच्छा गम्मत, तंत्रज्ञान का क्या होता है मैकेनिक्स या टेक्नोलॉजी न्यू, उसका मजा, उसका जो चमत्कार सांगनारी ही विज्ञान कथा, ऐसा सब बताने वाला, मतलब हमें इधर विज्ञान के बारे में, तंत्रज्ञान के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे और साथ साथ में पर्यावरण को बचाने का ज़रूरत क्या है उसके बारे में भी हमें इस लेसन के जरिए लेखक बता रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है पर्यावरण संवर्धना से महत्व विशद करून यानी एक्सप्लेन करके तंत्रज्ञानाचा गम्मत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे, मतलब डीप मन, मतलब मन से बहुत ही गहराई से सोच करने में मजबूर करने वाला लेसन है। चलो पाठ को स्टार्ट करते हैं। अभिषेक ने दार उघडलं आणि कामवाले रेखा मावशी आत आल्या। अभिषेक ने दार उघडलं, दार मतलब दरवाजा खोला, और कामवाली रेखा मावशी आत आल्या, अंदर आई। आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंगमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला। आल्या आल्याने जैसे आते आते त्यांनी किचनमधील सिंगमध्ये, किचन में जो सिंक है मतलब वॉश बेसिन है, उसके अंदर वाट पाहणाऱ्या इंतजार करने वाला भांड्यांकडे मोर्चा वळवला, मतलब डायरेक्ट जाना, सीधा कोई काम के लिए जो डिसाइड करके रखा हुआ या जो सोच के रखा हुआ काम करने के लिए डायरेक्ट जाना, विशिष्ट काम करण्यासाठी थेट जाने, मतलब सीधे डायरेक्ट वहाँ पर जाना। तो आते ही वो सिंक में, मतलब वॉश बेसिन में जो बर्तन पड़े हुए हैं उसके तरफ गया। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। उठायला यानी उठने को, उशीर लेट, अभिषेक को आज उठने को बहुत लेट हो गया। कल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून। कल त्यांच्याकडे उनके पास सुमित आया था कानपुरहून यानी कानपुर में से। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ। सुमित मतलब अभिषेक का आते भाऊ। आते भाऊ यानी आत्याचा मुलगा। आत्या कौन होता है? बुआ, पप्पा की बहन, उनका बेटे को आते भाऊ कहते हैं, बुआ का बेटा। तो आईआईटी कानपुरला शिकत होता और ये सुमित जो अभिषेक का आते भाऊ है वो कानपुर में आईआईटी में स्टडी कर रहा था। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितचा लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। सुमित कल आया तब से लेकर संध्याकाळी जब से आया, मतलब संध्याकाळी मतलब शाम को, सुमित आल्यापासून जब से वो आया तब से गप्पांसोबत यानी गप्पा गोष्टी मतलब बातचीत करने के साथ साथ सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे प्रोजेक्ट, सुमित का लॅपटॉप के ऊपर उन्होंने किया हुआ, सुमित ने किया हुआ नया प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता, अभिषेक देख रहा था। त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले। इस वजह से रात्री झोपायला, झोपायला मतलब सोने के लिए 2 वाजले, 2 बज गया। काय होय, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच घाण करता? हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला। हॉल में से स्नेहल का आवाज आया, क्या बोल रही है, क्या है ये, तुम खुद फ्लोर, फर्शी क्या होता है, फ्लोर पोसती है और तुम ही खुद गंदा भी करते, घाण करता यानी गंदा करता। अभिषेक हॉल मध्ये आला तर रेखा मौशी फर्शी पुसत होत्या। जब अभिषेक आया हॉल में तो देखा तो रेखा मौशी फ्लोर पोच रहा है, पण मागे त्यांचा पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फर्शीवर उमटले होते। लेकिन जैसे जैसे वो पोसते पोसते जा रही है तो जहाँ पोच के हो गया वहाँ पर उनका पैर का काला मलकट, मतलब एकदम काला काला मट्टी लगा हुआ, जो ठसे मट्टी का ठसा, ठसा क्या है, छापा, पोछा हुआ फर्शी पर, मतलब पोछा हुआ फ्लोर पे उमटले होते यानी स्पष्ट क्लियरली दिख रहा था। स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। आज स्नेहल को स्वच्छता मतलब साफ सफाई का भोगती, भोगती मतलब आवड, वो बहुत ही साफ सफाई को बहुत पसंद करने वाला स्नेहल को ये अच्छा नहीं लगा। रेखा मौशी ही बिचारिया वरमल्या होत्या और रेखा मौशी को भी खुद शर्मिंदगी फील हो गया, बहुत ही अशेम्ड फील हुआ,
अरे वो साफ सफाई करने वाला जगह में गंदा पैर का छापा लग रहा था इसके लिए। और उन्होंने कहा, अवो स्नेहाताई मैं कुठे येसीत बसून शान काम करती है भाई। हाँ, बोला कि ए स्नेहाताई मैं कैसा कहाँ पर एसी में एसी रूम में बैठ के बहुत ही छान बहुत ही अच्छा काम करता है भाई। शेना मातीत काम करावो लगत। हाँ, शेण यानी गोबर मिट्टी इनमें सब में काम करना पड़ता है। आन आमचा वस्तीला वस्तीचा रास्ता भी समदा उखड़ला है और हमारा जो बस्ती हमारा ये जो रहने का एरिया है वहाँ का पूरा रास्ता भी समदा समदा मतलब सर्व पूरे उखड़ला है मतलब खोद खोद के डाला हुआ है। समदी धूल लागली पायासनी पायासनी मंजे पायलना पैरों में पूरा धूल लगी है। अन धादा मिनटाला हाथ पाए धोयाला वेल भी ना है और धादा मतलब दहा दहा मिनटाला दस दस मिनट में पैर धोने के लिए वेल नहीं वक्त नहीं। अन पानी तरी कुटा है बकड़ और पानी भी किधर है बकड़ बकड़ मंजे पुष्कड़ भरपूर किधर है पानी। सॉरी मौशी खरच सॉरी आपण त्याचं मळकट पायांबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं। हाँ जल्दी से स्नेहल को भी खराब लगा गुस्से में बोल दिया लेकिन उसके बाद स्नेहल को भी खराब लगा उनका पैर के बारे में गंदा पैर के बारे में कैसा कैसा बोल दिया ये सोचकर इसके लिए स्नेहल ने सॉरी बोल दिया। तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली और स्नेहल को क्या याद आया टाचेला फाटलेली यानी उसके हील के यहाँ पैर का जो हील होता है हील के तरफ फटा हुआ अगदी पातळ झालेली एकदम पतला हो गया हुआ त्यांची चप्पल उनका चप्पल आठवली याद आया। रेखा मौशीच्या खणखणीत आवाजाने सुमित ही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला और रेखा मौशी का जोर जोर का आवाज सुन गे एकदम क्लियर आवाज सुन गे सुमित भी उठा आणि हॉलमध्ये आला हॉल में वो भी चला आया। सगला प्रकार त्यांच्या लक्षात आला सब कुछ बातें सुमित का भी ध्यान में आया। तेवढ्यात पावड़े काका ही आले इतने में पावड़े काका भी आया। आज बाबा आणि पावड़े काका कुठल्याच्या कार्यक्रमाला जाणार होते। आज पावड़े काका और मेरा पिताजी बाबा पिताजी और पावड़े काका दोनों कोई तो प्रोग्राम में जाने वाले थे। स्नेहल ने पावड़े काका ना पानी दे कोई घर में आएंगे तो हम उनको बिठाते हैं और पानी पिलाते हैं सबसे पहला बराबर तो स्नेहल ने पावड़े काका को पानी दिया। फर्शी पुसणाऱ्या रेखा मौशीचे लक्ष पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेले। जो फ्लोर पोच रहा था जो रेखा मौशी उनका लक्षाने ध्यान पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेल्या। तळव्या क्या है तळवा पैर का जो सोल है जो नीचे का हिस्सा है पैर का फूट का नीचे का हिस्सा तळवा तो तळव्याकडे गेले। रेखा मौशी पावड़े काका का पैर का सोल उसको देखा उनका ध्यान उधर गया। एकदम गोजीरा गुलाबी तळवा एकदम गोजीरा यानी बहुत ही गोरे गोरे आणि गुलाबी मतलब ऐसा पिंकिश हो गया हुआ सोल या पैर फूट कुठे चिरण्या नाहीत कि काय नाही कहीं भी एक जगह में भी कटा हुआ नहीं है चीर गिरा हुआ नहीं है कुछ नहीं है एकदम लोण्यागत पाय है काकांचा। रेखा मौशी स्वतः शीच फुटफुटल्या अपने आप मतलब हल्लू से विस्परिंग करने लगा हल्लू से बोलने लगी स्नेहा मौशी सॉरी रेखा मौशी क्या बोले एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचा एकदम लोणी सारखा बहुत ही मुलायम एकदम लोणी सारखा पाय आहे काकांचा। लोणी मतलब क्या होता है मक्खन मक्खन जैसा पैर है। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिले और उनका पैर देखने के बाद अपने अपना पैर की तरफ देखा पायाला किती तरी चिरण्या पडल्या होत्या पैरों पे कितने चीर गिरे हुए होते माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या मिट्टी धूळ वगैरह लगकर पैर दोनों पूरा काला पड़ गया था। अभिषेक स्नेहल से बाबा ही तैयार होन हॉल में आले इतने में अभिषेक और स्नेहल का पिताजी वो भी
तयार होकर हॉलमध्ये आले. मामा, मी एक ॲप तयार केले आहे, त्या ॲपच्या सहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितने सांगितले. सुमितने मी बोला, मामा मतलब किसको, सुमित का मामा और अभिषेक का पिताजी, उनको बोला मामा मी एक ॲप तयार केला आहे, ॲप तयार किया हुआ आहे, त्या ॲपच्या सहाय्याने मदतीने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहे, किसका पैर कितना साफ आहे हे सांगू शकतो, ऐसा सुमितने बोला. सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे? अरे पैर साफ आहे या नाही देखने के लिए ॲपका क्या जरूरत आहे? तुम्हा टेक्नोसॅवी लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचत की नाही? तुम लोग ये टेक्नोसॅवी मतलब हर बात के लिए टेक्नॉलॉजी को पकड़ने वाले हैं, टेक्नॉलॉजी के लवर्स, तुम लोगों के लिए हर चीज़ के लिए ॲप बनाए बिना नहीं चलता. अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याचा कवटीत आहे. सबसे भारी ॲप किधर आहे? हाँ, ये स्कल के अंदर है, दिमाग के अंदर है, ये खोपड़ी के अंदर है. हे विसरलात की काय तुम्ही लोक, हे विसरलात या ये भूल गया क्या तुम्ही लोक? तुम लोग बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. अनाठाई याने बिनवजे, बाबा बिनवजे टेक्नॉलॉजी के बदल मतलब बारे में उनका जो मळमळ मतलब नाराजगी व्यक्त केली. मौका देख के बैठा था कि उनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में उनका जो चिढ़ है, जो नाराज़गी है वो बताया. मामा गम्मत तू माझे ऐप ची त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स. गम्मत देखो उसका चमत्कार, तो देखो उसका मजा तो देखो मेरा फुटप्रिंट्स का. असं म्हणत सुमित ने आपल्या स्मार्टफोन काढला. हे बोलते हुए सुमित अपना स्मार्टफोन निकाला. सुरुवात करूया रेखामोशींपासून. सुरू करते रेखामोशीसही. त्याच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदींनी नोंदवला होता आक्षेप. आक्षेप मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन, या उसके खिलाफ उसको चिढ़ाया, बराबर. तो नोंदवला होता है, नोंदवला मतलब एक्सप्रेस्ड, मतलब दिखाया या एक्सप्रेस किया. जिनके पैर के बारे में स्नेहल दीदी ने आक्षेप बताया तो उन्हीं के पैर के साथ चालू करते हैं. स्नेहल का चेहरा पड़ला. ये सुनकर स्नेहल का चेहरा एकदम उतर गया. तिला स्वतःचाच राग आला. स्नेहल को अपने आप से ही अपने आप पर ही गुस्सा आया, क्योंकि उसको ऐसा पछतावा होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला. सुमित ने आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये मधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मौशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या अँड्रॉइड फोनमधीलचा मतलब उसके अंदर का एक ॲप उघडलं, मतलब एक ॲप खोला आणि रेखामोशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. रेखामोशीसे कुछ सवाल करणे सुरू किया. तो सवाल करणे लगा रेखामोशीसे, मावशी तुम्ही राहता कुठं, तुम रहते कहां पर हो? त्या टेकडी पल्याड, पल्याड मीन्स पलीकडे, उसके दुसरे साइड में, वो टेकडी के उस पार. इथून किती किलोमीटर आहे? 3. तुम्ही कशा आलात इथंपर्यंत, यहां तक कैसे आए? गेल्या महिन्यात पतूर चालतच येत होते, गया महिने तक चलतेही आ रहा था, पण आता माझ्या लेकांना मला सायकल दिल्या, मला एक सायकल दिल्या मला. अभी मेरा बेटे ने मुझे लेक बेटा उसने मुझे एक सायकल दिया, तब आता सायकल न येते. अशी अजून बरीच माहिती त्याने भरली. अभी लेकिन उसके बाद अभी सायकल से आती है, ऐसा बहुत सारा जानकारी रेखा मौशीने दिया. आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते, सरासरी याने ॲव्हरेज, पूरे आठवड्यातून हफ्ते में पूरे ॲव्हरेज कितना किलोमीटर फिरती होते, याने कितना किलोमीटर जाते हैं, ही फिरती तुम्ही कशी करता, यहाँ वहाँ फिरना, कितने किलोमीटर जाता आता है हफ्ते में, और वो फिरना यहाँ वहाँ जाना वो कैसा करता है, आतापर्यंत किती झाड तुम्ही लावली आहे, अभी तक कितने झाड तुमने लगाया है. रेखामोशी फिरायचा पाईच कधीतरी सायकलनं, और ये पूरा डिटेल निकाला तो ये मिल रहा है डिटेल की रेखामोशी चलता यहाँ वहाँ जाता है पाईच मतलब पायाने चलते हुए, कधीतरी सायकल ने, कभी कभी सायकल से. त्यांना
त्यांच्या इवळ्याशा झोपडीपुढंही त्यांनी दोन झाडं लावली होती. उनका इवळ्याशा याने इतना छोटासा लहानसा झोपडी के सामनेही दो दो झाड ऑलरेडी लगाए हैं. त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं और एक झाड उसमें लिंबोणीचं झाड मतलब क्या होता है, लेमन ट्री, लिंबू का झाड. पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कोणाला कळेना. लेकिन इतना सब जानकारी सुमित क्यों ले रहा है ये किसी को भी समझ में नहीं आया. रेखा मौशी तर फार गडबडून गेल्या और ये सब सवाल सुन के रेखा मौशी तो एकदम गडबडून गेल्या, मतलब पूरे कन्फ्यूज हो गए. आगे आणि आता पहा या आहेत रेखा मौशींच्या फुटप्रिंट्स और ये सब डिटेल वो मोबाइल में डालने पर क्या मिला, रेखा मौशीचा फुटप्रिंट्स. और सुमित ने बोला कि अब ये देखो ये रेखा मौशी का फुटप्रिंट्स है. असं म्हणत त्याने मोबाईलचं कसलेलं बटन दाबलं. ये बोलकर उसने मोबाईल का कोई तो एक बटन दबाया आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला. पायपुसणी क्या होता है, डोरमॅट. तो ऐसा बोलकर वो बटन दबाया तो मोबाइल की स्क्रीन पे डोरमैट की जैसा एक स्क्रीन, एक चौकोन यानी रेक्टेंगल शेप का एक चित्र उमटला यानी क्लियर सामने आया. अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, एकदम क्लियर निरभ्र, निरभ्र मतलब बिन बादल का क्लियर आसमान के एक टुकड़े के जैसा इतना क्लियर एक ब्लू कलर का इमेज आया. सगले हाँ वासून पाहत होते, सब जन एकदम शॉक्ड होकर एकदम चौक कर देखते रह गया. आणि त्या निळ्या तुकड्याचा मधोमध दोन पावलं उमटले और वो नीला कलर का जो तुकड़ा है जो रेक्टेंगल शेप का स्क्रीन में आया उसके मधोमध बीचों बीच दोन पावलं उमटले, दो पैर का छापा, दो फुटप्रिंट्स आया. एकदम चंदेरी वर्खात मडलेली आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. एकदम चंदेरी वर्क बोलेगा तो लेयर, एकदम सिल्वर कलर के लेयर में मडलेली आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटले. एकदम सिल्वर कलर का बना हुआ एक दो फुटप्रिंट्स और उसके नीचे इंग्लिश में इस तरह लेकर आया, सिल्वर फुटप्रिंट्स. रेखा मौशी का कौन सा फुटप्रिंट्स मिला, सिल्वर. और उसका डिटेल भी आगे दिया है, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, सबसे ज़्यादा क्लीन फुटप्रिंट्स. वाह, पाहिले रेखा मौशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, जरियाचं स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, सुमित ओरडलं. और सुमित चिल्लाने लगे जोर का की वा पाहिलेत रेखा मौशीचे पाय चंदेरी आहेत, देखा रेखा मौशी का पैर चंदेरी आहेत, सिल्वर है, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ, जरियाचं स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. स्फटिक मतलब क्रिस्टल, स्फटिक स्वच्छ पाणी मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर पाणी, जो झरना वगैरह जो जंगल के एरिया में जो झरने वगैरह होते हैं उसका पानी देखना मांगते, इतना क्लियर होता है कि आर पर सब कुछ दिखेगा, उतना एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी. तो त्यासारखं रेखा मौशीचे पाय चंदेरी आहेत, सुमित ओरडलं. ह्या हे भलतंच रेखा मौशींच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले, ह्या हे भलतंच, भलतंच मतलब कुछ भी बोलते ना ऐसा, हाँ ये तो स्ट्रेंज है, अजीब बात है. ऐसा रेखा मौशी के पैर की तरफ देखते हुए पावड़े काका बोले. सुमित ने हलकेच पावड़े काकांच्या गोजिरिया तळव्याकडे पाहिले और सुमित धीरे धीरे पावड़े काकांच्या गोजिरिया मतलब एकदम गोरा तळव्याकडे, एकदम गोरे गोरे तळवे के पास सोहळ के तरफ देखा आणि म्हणाला और बोले, काका आपण तुमच्या पायाचे पाहूया का, काका हम तुम्हारा पैर का जरा देखे क्या, त्यात पायाचं काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहे. हाँ तो पावडे काका बोला उसके लिए उसमें देखने का क्या, ये देखो मेरा पैर कितना स्वच्छ साफ और मऊसूत आहे यानी एकदम सॉफ्ट है. पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, सभी लोगों को दिखाए अपना पैर और बोले, पण चला काय तुम सांगतं तुमचं ॲप ते तरी पाहूया.
त्यांनी पुस्ती जोडली. मग आपल्या सगळ्यांनी स्कोअर आगे बढाय बोला. पण चला काय सांगते तुमची ॲप, तुम्हाला ॲप क्या देख बोलते हैं ते तरी पाहूया. वो भी जरा देखते. सुमितने पावड्या काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरू केला. सुमित पावडे काकाचा डेटा यानी उनका डिटेल्स पूरे पूछ के अपने फोन में या ऐप में डालना चालू किया. काका आता तुम्ही कुठून आलात, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? विश्रांत वाड़ी बाड़ी हूँ. कहाँ से आ रहे हैं? विश्रांत वाड़ी से. कैसे कैसा आ रहे हैं? अर्थातच कार ने. क्या मतलब है ये की तो बात है, कार से तो आते हैं. 20 किलोमीटर कार ने, तुम्ही एकटेच? सुमितची शंका. सुमित डाउट करने लगा, 20 किलोमीटर एकटेच कार ने? अकेले यहाँ तक 20 किलोमीटर कार से आए? हो का? अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं? हाँ लेकिन काका हफ्ते में आपका घूमना फिरना कितना होता है? अरे माझं ऑफिसच माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे. मेरा ऑफिस ही मेरे घर से 16 किलोमीटर दूरी पे है. रोज ते रोज से 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात. हाँ रोज का तो कम से कम 25-40 किलोमीटर तो कम पक्का होता ही है. आणि हे सगळं कार ना, तुम्ही एकटेच ये जा करता और ये भी सभी कुछ कार से और तुम अकेले आते जाते हैं? हो नाही तर काय, बसला लटकत जाओ म्हणतोस, काका चिडून म्हणाले. तो फिर क्या कार में नहीं तो क्या बस में लटकते हुए जाऊँ ऐसा बोल रहे हो? ऐसा काका चिढते हुए बोला. काका तुम्ही काही झाडं लावले का, लावले आहेत का? आपने कोई झाड लगाए आहे क्या काका? नेक्स्ट सवाल था. पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपीकरिता माती मागितलर ती आणून देणं होत नाही काकांना, ते झाड काय लावणार? स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राईव्ह लगावला. स्नेहल ये सुनते हुए सीधा बोला, जब पावडे काकू, पावडे काका की वाईफ, त्यांनी कुंडीतला रोपण करिता यानी जो गमले में लगाने वाले जो झाड है उसके लिए माती मांगितली, थोड़ा मट्टी लेकर आने के लिए कहा, तो ती आणून देणं होत नाही काकांना, काका से वो तक लाके देने नहीं होता, तो फिर क्या वो झाड क्या लगाएगा? सुमित ने पावडे काकांनी काकांची आणखी काही माहिती घेतली. सुमित और भी उनका कुछ जानकारी या कुछ डिटेल्स लिया आणि ॲपवर भरले और ॲप में डाल दिया. पुन्हा नीला तुकड़ा चमकला. फिर पूरे डिटेल डालने पर और एक बार वो नीला तुकड़ा जो ब्लू कलर का जो डोरमैट के जैसा टुकड़ा वापस स्क्रीन पे आया आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यांवर पावडे काकांची पावलं उमटली और कुछ सेकंड्स के अंदर उनका पैर भी, पैरों का छापा भी उस पे आया. दोन काळी कुठ पाऊल चिन्हे, दो बहुत ही पूरे पूरे काले पाऊल चिन्हे, मतलब पैरों का दो छापा, दो सिंबल आया बहुत ही काला आणि खाली शब्द आले और उसके नीचे ऐसा लिखर भी आया, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, तुम्हारा बहुत ही गंदा, द सबसे ज़्यादा गंदा फुटप्रिंट्स है, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, एकदम परफेक्ट ब्लैक कलर का फुटप्रिंट्स. पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पड़ला. ये देखते ही पावड़े काका का चेहरा एकदम उदास हो गया. काय नाटक आहे ये, ये क्या नाटक है, मतलब क्या नाटक करके रखा है? असल्या व्हर्च्युअल गोष्टी नका सांगू मला. ऐसा व्हर्च्युअल, व्हर्च्युअल क्या होता है? व्हर्च्युअल याने झूठ मूठ का बात मुझे मत करो, पावडे काका रागाने म्हणाले. पावडे काका बहुत ही गुस्से से बोला. सुमितने त्यांचा नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीच्या सुरात म्हणाला. सुमित उनके चेहरे की तरफ, नाराजगी चेहरे की तरफ देखा, नाराज चेहरे की तरफ और समजावणीच्या सुरात यानी समझाने के टोन में बोला, माफ करा काका पण ही पावलं व्हर्च्युअल नाहीत, ये जो पैर ये देख रहा है वो व्हर्च्युअल नहीं है, उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी आहे, उलटा ये एकदम सच है. काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजते. काका ये जो ॲप है ये ॲप क्या करता है, हम हमारे दैनंदिन यानी रोज का डेली का जीवन में या व्यवहार में हमारे पूरे दिन का काम में आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो,
हम लोग कितने कार्बन कार्बन का क्वांटिटी कितना हम एटमॉस्फेयर में छोड़ता है हे मोस्ट ये मोस्ट है मतलब ये क्वांटिटी फाइंड आउट करता है ये गिनता है। थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं थोड़े में ही हमारा जल्दी से फटाफट हमारा जीवन शैली क्या होता है लाइफस्टाइल हमारा लाइफस्टाइल में से जल्दी से ही ये मशीन हमें क्या बताए ये ऐप हमें क्या बताएगा आपले कार्बन प्रिंट्स जो प्रिंट निकाल के दिया हमारा असली जो पैर है उसका नहीं हम जो कार्बन का क्वांटिटी ये धरती में भेजते हैं छोड़ते हैं उसका प्रिंट्स निकाल कर देते हैं त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत और ये जो कार्बन का क्वांटिटी हम जो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं वो हमारा उघड्या डोळ्यांना मतलब हमारे खुले आँखों से दिखता नहीं। आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंदर तुमचा कार न येता तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता म्हणजे त्यांच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडतं। अभी तुम देखो 20 किलोमीटर अंदर यानी डिस्टेंस तुमच्या कारनं येतं 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आप अपने कार से आता है तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल कम से कम करीब करीब 1 लिटर पेट्रोल जलाता है म्हणजे उसका मतलब हो गया त्यांच्या दुपटीहून अधिक कार्बन उसके डबल से ज़्यादा कार्बन डायऑक्साइड तुम्ही वातावरणात सोडता तुम ॲटमॉस्फिअर में छोडता है काहीतरीच मला नाही पटत काका म्हणाले कुछ भी मुझे नहीं ठीक लगता आई एम नॉट एग्रीएबल ऐसा कौन बताया पावडे काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे ये एक शास्त्रीय सत्य शास्त्रीय क्या है साइंटिफिक सच्चाई है तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलाचा काळा रंग ठरतो तुम कितना कार्बन सोडता है उस हिसाब से तुम्हारा पैर का काला सिंबल आया रेखामोशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही रेखामोशीका जो रोज का जो जीवन में कार्बन उत्सर्जन क्या होता है एमिशन कार्बन बाहर निकालना उसका कोई चांस ही नहीं म्हणून त्यांची पावलं इसके लिए उनका पैर आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत सुमित बोलत होता इसके लिए उनका पैर बहुत ही चंदेरी बहुत ही सुंदर हमारे से ज़्यादा सुंदर और चंदेरी है। इतने में स्नेहल ने बोला बापरे आपन फर्शी गान होने की गोष्ट करतो हाँ हम तो यहाँ पर फ्लोर हमारा घर का गंदा होने की गोष्ट यानी बात करते हैं पण आपण तर अवघ वातावरणच घाण प्रदूषित करत असतो लेकिन आम्ही पुरे सारे वातावरण प्रदूषित करत असतो प्रदूषित करणे मतलब पोल्यूट करते रहता है किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना कितना बहुत सारा मतलब कितने क्वांटिटी कार्बन हमारे पैर पे चिपक गया हुआ है ग्लोबल वार्मिंगला हातभार लावतो आपण ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ावा करता है हम उसमें अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन डालते रहता है तापाने फणफण ले आपली धरती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी से टेम्परेचर से हमारे धरती पूरे तप गया हुआ है पूरे गर्म हो गया है आपले पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा हमारे पैर पे जो लगे हुए इस कार्बन को आम्हाला आपल्याला धुवायला हवा हमको ये धोना चाहिए मी ठरले अभी तुम्हें डिसाइड कर लिया मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार अभी मी कॉलेज में जाते वक्त सायकल यूज करूँगी मला माझे पाय रेखामोशीसारखे चंदेरी पाहिजेत या हवेत मुझे मेरे पैर रेखामोशी का पैर के जैसा एकदम सिल्वर चाहिए स्नेहल गहीवरून म्हणाले म्हणजे बहुत इमोशनल होकर बोली अभिषेक भारावून म्हणाला माझा तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे मेरा तो स्कूल के सामने ही बस स्टॉप है आजपासून मी बसनंच ये जा करणार आज से मैं तो बस से ही आना जाना करेगा ठरलं एकदम डिसाइडेड खरे पोरांनो
आजकाल चालणं सायकल वापरणं विसरूनच गेलो आहे आपण. आजकाल तो चलना सायकल में जाना ये सब हम लोग भूल ही गया है. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायाम करीता वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो. हाँ, अगर एकदम बाजू का दुकान में भाजी भी लेने के लिए जाना होता तो तरी आपण बाईकला किक मारतो, जाके सीधा बाइक को किक मारते हैं आणि पुन्हा व्यायाम करीता और उसके बाद में घर पे आके व्यायाम के लिए वेगळं अलग सा मॉर्निंग वॉकचा नाटक करतो. मॉर्निंग वॉकचा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का नाटक करता है. बसनं प्रवास करणे तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं और बस से ट्रॅव्हल करना बोलेगा तो हमको बहुत ही कमीपणा मतलब बहुत ही लो फीलिंग होता है. अरे हमारा इज्जत के लिए कम उसके लिए उसके मुकाबले कम है ऐसा लगता है. पण आपल्या पायांना चिकटलेलं कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट. और हमारे पैर पे जो चिपक गया हुआ कार्बन को लेवल में करने के लिए या ठीक करने के लिए आपल्याला पब्लिक ट्रांसपोर्टचा वापर करावा लागे. मतलब हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ मस्ट. अभिषेकचे बाबा म्हणाले. ते कोण बोला? अभिषेकचे बाबा. रेखामौशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. ये सभी का बातचीत रेखामौशी ध्यान से सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायांचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. तो बोलते बोलते या ये सुनते सुनते उन्होंने क्या किया, वो गिल्ला कपड़े से गिल्ला जो चिंदी है उससे जो फ्लोर में आया हुआ उनका काला जो पैर का छापा है वो पोंछ भी दिया, किसी के नज़र में ना पड़े. वैसा पहले किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे रेखामौशींनी, सुमित ने म्हणाले. सुमित बोला देखा कितने सहजपणे यानी कितनी आसानी से त्यांनी पुसले, मतलब कितना आसानी से उन्होंने पोंछ दिया आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे, अपना गंदा पैर का छापा कितना आसानी से पोंछ लिया. पण आपल्या पायाचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार. लेकिन हमारे पैर की वजह से जो हमने हमारे हरकतों की वजह से एटमॉस्फेयर में जो छोड़ा हुआ जो गंदगी है वो इतना आसानी से पुसता येणार नाही, पोच नाही पाएगा. त्या करता आपल्याला झाडं लावावी लागतील. उसके लिए हमें झाड लगाना पड़ेगा. या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळी कुट पावलं थोडी तरी उजळ होतील. ये अच्छे अच्छे हरे भरे झाड से ही हमारा जो गंदा पैर काला जो पैर का गंदगी है थोड़ा तो साफ हो जाएगा. सुमित भर भरून बोलत होता. सुमित एकदम स्पीड में बोलते जा रहा था. हो ना, नाही तर आपण तसेच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून, पावडे काका बोलले. हाँ, तो इतने में पावड़े काका भी इस पे सहमत हो गया. बोला कि हाँ सही है, नहीं तो फिर हम इसी तरह भागते रहेंगे यही मळलेल्या पायांची माणसं बनून, मतलब गंदा पैर का इंसान बंदे हम यही दौड़ करते रहेंगे. आणि त्या निराशार तुकड्यांवर चांदणं उमलल्याचा त्यांना भास झाला और उनको ऐसा फील हुआ कि वो नीला तुकड़ा जो स्क्रीन में है वो कौन सा कलर में चेंज हो रहा है. चांदना मतलब चांद उसमें उमड़ने का मतलब उसमें निकलने का उनका ऐसा फील हुआ कि उनका सपना है. चलो आज तो काला पैर का छापा आया लेकिन ऐसा काम करेंगे कि आगे जब आएगा तो ये जो पैर है ये जो छापा है चंदेरी हो जाएगा. और बच्चों ये कौन सा बुक में से निकाला हुआ है, जादू की झप्पी. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे लेसन के साथ. बाय बाय.